मैम आपकी वॉइस बिल्कुल भी नहीं आ रही है। अब आ रही है? यस मैम, हाँ मैम अब आ रही है। अब आ रही। पता नहीं क्या यहाँ पे कनेक्शन में भी लूज हो गया। इज इट नाउ एम आई ऑडिबल? ओके 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 फाइन 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 बेटा। सो दिस इज अ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इन दिस फिगर पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू एंड पी एस इज बाइसेक्टिंग दिस एंगल क्यू पी आर। इट मीन्स एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। We have to prove that angle PSR, PSR, where is PSR? PSR is greater than PSQ. इसको ले लो 3, इसको ले लो 4. What we need to prove? We need to prove that angle 4 is greater than angle 3. Now look here. सी बेटा, राइट डाउन गिवन इन इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू, पी एस बाइसेक्ट्स एंगल पी क्यू। पी आर लिख दो चाहे अकेला पी, अकेला पी लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, टू प्रूव एंगल पी एस आर इज ग्रेटर देन एंगल पी एस क्यू, दिस इंप्लाइज एंगल 4 इज ग्रेटर देन एंगल 3। हमने एंगल्स मार्क कर दिए हैं तो हम ये भी लिख सकते हैं दैट वी हैव टू प्रूव एंगल 4 इज ग्रेटर देन एंगल 3। प्रूव नाउ इन ट्राइंगल पी एस क्यू, ये वाला ट्राइंगल देखो पी एस क्यू, यहाँ हम लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल क्यू इज 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, यस। ऑल्सो इन ट्राइंगल पी एस आर, एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल आर इज 180 डिग्री। अगेन एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2, फ्रॉम 1 एंड 2 वी कैन, देखो बच्चे 1 प्लस 3 प्लस क्यू 180 के बराबर, 2 प्लस 4 प्लस आर भी 180 के बराबर। सो फ्रॉम 1 एंड 2 कैन बी राइट एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू 2 प्लस 4 प्लस आर, ठीक है। नाउ 1 इज इक्वल टू 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये हम काट सकते हैं। यहाँ पे हम रीजन दे दोगे आप यहाँ पर, बिकॉज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इसकी साइड पे, सीधा कट कर दो। 1 2 के बराबर है, मान लो ये 50 हुआ तो ये भी 50 हुआ, कट जाएंगे बिकॉज दे आर ऑन द ऑपोजिट साइड, ठीक है। नाउ व्हाट वी आर लेफ्ट, एंगल 3 प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल आर। सो इन आर लास्ट क्लास आई टोल्ड यू, अब यहां पर देखो एंगल 3 प्लस एंगल क्यू, और हमें क्या गिवन है, राइट, वी हैव बीन गिवन दैट पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू। बोर्ड पे देखो बेटा, नाउ पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू। अगर पी आर पी क्यू से बड़ा है तो जो पी आर के सामने एंगल है वो भी इसके सामने वाले एंगल से बड़ा होगा। एंगल ऑपोजिट टू द ग्रेटर साइड इज ग्रेटर, यस। पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू, दिस इज गिवन, दिस इंप्लाइज पी आर के ऑपोजिट एंगल 4 एंड पी क्यू के
ऑपोजिट एंगल 3. अगर एंगल 4 एंगल 3 से बड़ा है, अगर एंगल 4 एंगल 3 से बड़ा है तो उसके साथ वाला जो एंगल है वो इससे छोटा होगा. इफ टू इफ द सम ऑफ टू एंगल्स ऑन बोथ द साइड्स आर इक्वल देन इफ वन एंगल इज ग्रेटर देन द अदर एंगल विल ऑलवेज बी स्मॉलर एज वी कंपेयर विद द लेफ्ट हैंड साइड. आई होप आई एम क्लियर. ठीक है, अगर 4 एंगल 3 से बड़ा है तो एंगल जो आर है, एक मिनट वन मिनट लाइक पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू, तो हमने पी आर के ऑपोजिट वाला एंगल कौन सा लेना है? क्यू, नॉट दिस. क्योंकि अगर हम देखें तो पी आर के ऑपोजिट तो फिर एंगल 4 भी बन, बिकॉज वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट हियर दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल, वी आर टेकिंग द साइड्स ऑफ द फुल ट्राइंगल, सो वी हैव टू सी द एंगल्स ऑपोजिट अकॉर्डिंग टू द फुल ट्राइंगल. बात समझ में आ गई मेरी? जैसे हम कहें मैडम पी आर के सामने तो 4 भी है और ये वाला एंगल भी है क्यू, बट आप कौन सी साइड्स देख रहे हो? पी क्यू और पी आर साइड्स को कंपेयर कर रहे हो. अगर पूरे ट्राइंगल वाली साइड्स को कंपेयर कर रहे हो तो उसके ऑपोजिट वाला एंगल देखोगे. ठीक है, अगर इसकी बात करते दैट पी आर इज ग्रेटर देन पी एस मान लो, फिर आप लिख सकते थे पी आर के सामने वाला एंगल क्या है? एंगल 4, राइट? वरना तो हमें ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी, हम सीधा लिख देते कि पी आर के सामने 4 है, पी क्यू के सामने 3 है तो ये बड़ा होगा. ये बड़ा है लेकिन हमें ये प्रूफ करना है. ठीक है, सो यू विल राइट नाउ पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू, दिस इंप्लाइज एंगल क्यू इज ग्रेटर देन एंगल आर. नाउ एंगल 3 प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू 4 प्लस एंगल आर. अगर क्यू एंगल आर से बड़ा है तो 3 एंगल 4 से क्या होगा? छोटा. नाउ इफ एंगल क्यू इज ग्रेटर देन एंगल आर, दिस इंप्लाइज एंगल 3 इज स्मॉलर देन एंगल 4, दिस इंप्लाइज एंगल पी एस क्यू इज स्मॉलर देन एंगल पी एस. Again, look on the board. First of all, we will apply the angle sum property here, then here. 1 plus 3 plus Q, 2 plus 4 plus R, they will be equal because as they are equal to 180, 1, 2 के बराबर है, कट गया, हमारे पास ये बचा. ठीक है, अब हमने ये प्रूव करना है कि ये वाला जो एंगल है वो 3 से बड़ा है. तो हमने हमें क्या गिवन था? That PR is greater than PQ. PR के सामने है Q, एंगल Q is greater than एंगल R. अगर सम के इक्वल ये क्यू आर से बड़ा है तो 3 जो उसके साथ वाला एंगल है वो ऑब्वियसली छोटा होगा. एंगल 3 इज स्मॉलर देन एंगल 4, हेंस वी हैव प्रूव्ड. नोट डाउन. एंड टुमारो बेटा यू पीपल आर हैविंग योर टेस्ट फ्रॉम एक्सरसाइज 7.1 एंड 7.2. ठीक है, मैंने मैसेज डाल दिया ग्रुप में, डाल दिया था, आप देख सकते हो. हाँ जी धीरेन, आप अनम्यूट नहीं हो रहे हो, एक मिनट. वन मिनट अनम्यूट करो धीरेन. अनम्यूट योर सेल्फ एंड स्पीक अप.
सो आई हैव गिवन यू द सेस ब्रेन कि आप अनम्यूट करो बट आप फिर भी अनम्यूट नहीं कर रहे हो. इट मींस देयर इज सम प्रॉब्लम विद योर माइक. आई डोंट नो राइट. सो नाउ आई एम अगेन टेकिंग दैट ऑप्शन बैक. मैसेज करके पूछ लेना. नहीं हो रहे बच्चे आप अनम्यूट. See the next question, number 6. Show that of all line segments drawn from a given point not on it, the perpendicular line segment is the shortest. Show that of all line segments drawn from a given point not on it, the perpendicular line segment is the shortest. कहते हैं हमने ये बताना है कि अगर कोई लाइन है और उसके ऊपर हम परपेंडिकुलर बनाएं, जैसे मान लो ये है, ठीक है, तो एक पॉइंट है ये परपेंडिकुलर, ठीक है, ये ऐसे. सो वी मेक द लाइंस फ्रॉम दिस पॉइंट. सो तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मान लो अगर दो लाइंस हैं, ठीक है, इन दोनों के बीच में हमने डिस्टेंस देखना है. हम डिस्टेंस देखते हैं, डिस्टेंस ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, बट इन ऑलवेज द बिटवीन टू लाइंस द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. दिस वी नीड टू प्रूव. राइट ऑन एवरीवन, राइट ऑन गिवन. एल इज अ लाइन एंड पी इज अ पॉइंट. ये लिखूंगी नहीं मैं. L is a line and P is a point, capital P, small l, line small l hai. L is a line and capital P is a point not lying on L. Other than not lying on L, bas itna hi, not lying on L, and there are two points on this line. ये given में नहीं लिखना, बस L is a line and P is a point not lying on L. So this is a right angle triangle basically. Here we need to prove that the perpendicular line segment is the shortest. Perpendicular line segment means to prove that PM is shortest. Now for this we are going to do the proof. Write down. पहले proof लिखते हैं. It is very easy. आपको समझ आ जाएगा. I'll explain again. In triangle PMN, angle M is right angle. This implies angle M is 90. So angle N is acute angle. Therefore, देखिए बेटा ये ट्राइंगल है, इसमें एम 90, एम 90 है, इसका मतलब एंगल, ये अगर इसकी बात करें, एंगल एन विल बी एक्यूट. यस, इफ दिस इज 90, इट मीन्स दीज ऑल आर स्मॉलर देन 90. So we can write angle M is greater than angle N. अगर M angle M N से बड़ा है, तो M के सामने कौन सी साइड है? PN. और N के सामने कौन सी साइड है? PM. यहां से हमारे पास आया that PN किससे? PM से बड़ी है. या हम कह सकते हैं PM PN से छोटी है. Also angle M is greater than angle P, because P is also an acute angle. Again, M के सामने PN, इसको हम compare करेंगे. पूरा करने की जरूरत ही नहीं है पूरे angles को लेके. Simple दो angles को लेके short में करो, बस let it be like this. यहां से हमें पता चला दैट पी एम इज शॉर्टेस्ट. सो और वी कैन राइट
PM is smaller than PN. This implies PM is shortest. No need to take the other acute angle and prove. उससे भी वही आएगा, बट करने की जरूरत नहीं है. और अगर करना भी चाहो, अगर करना भी चाहो तो बेटा हम लिखेंगे एंगल M इज ग्रेटर देन एंगल P. M के सामने कौन सी साइड है? PN. P के सामने कौन सी साइड है? MN. ठीक है, जो PN साइड है वो PM से बड़ी है और जो PN साइड है वो MN से भी बड़ी है. इसका मतलब जो PN साइड है वो शॉर्टेस्ट है. MN और PM को डायरेक्टली कंपेयर करने की जरूरत नहीं है. नोट डाउन. मैम. हाँ जी. Ma'am, there was a bit problem in my system, so I was not able to unmute. So, ma'am, please, I was just starting the meeting, so please explain this question once. Which question? This one? Yes, ma'am. Better, there is a, if the question is, show that of all line segments drawn from a given point, not on it, the perpendicular line segment is the shortest. Ki, ek point se agar hum lines bana rahe hain, ठीक है, लाइन सेगमेंट बना रहे हैं, तो हमने ये बताना है कि जो परपेंडिकुलर 90 डिग्री बनाते हैं वो सबसे छोटा होता है. सो वी विल टेक टू लाइंस, वन लाइक 90 डिग्री एंड अदर इज दिस. ठीक है, एक ट्रायंगल बन जाता है ये 90 डिग्री. यू कैन टेक एज मेनी नंबर ऑफ लाइंस यू वांट टू टेक, बट वी विल टेक ओनली टू लाइंस. सो इन दिस ट्रायंगल दिस इज 90, सो ऑब्वियसली दीज टू एंगल्स आर एक्यूट एंगल्स. एम 90 है, जो एम एंगल है वो एक्यूट है, मतलब छोटा हो गया 90 से. M is greater than N. M के सामने कौन सी साइड है? PN. और N के सामने कौन सी साइड है? PM. मतलब PM जो है वो छोटी है किससे? PN से. तो therefore PM is the shortest side. Simple, we will take only one, we will compare with one angle and we will write that हमें यहाँ से अगर हमने compare की, क्योंकि हमने दो ही lines ली ना, दो lines ली, PN और PM. तो इसके साथ कंपेयर कर, क्योंकि ये तो बेस लाइन है, इसीलिए इसके साथ कंपेयर करके हमारे पास, अगर आप और लोगे कोई लाइन वो भी बड़ी होएगी इससे. ठीक है, तो हमने ये दो लाइंस ली, उससे हमें कंपेयर किया, हमने एंगल्स को लेके ये प्रूव किया कि ये जो लाइन थी वो इससे क्या है? बड़ी. तो देयरफॉर जब PM इज द शॉर्टेस्ट लाइन सेगमेंट. ओके मैम. ऑल राइट स्टूडेंट्स, so with this we have finished chapter number 7. Now everyone open chapter number 12, Heron's formula. Chapter number 12 bache, हाँ जी कवरनूर. बोलो. गुड मॉर्निंग मैम. मैम हीरोन्स फॉर्मूला मैम चैप्टर इस बार नहीं है मैम सिलेबस में. बेटा सिलेबस हैज बीन चेंज्ड. ठीक है, new curriculum we got day before yesterday, and according to that there is a change in the syllabus, right? Euclid chapter jo humne kiya tha that has been deducted. To abhi hamara finalize ho raha hai, matlab final list banakar aapko message kar denge. Theek hai, according to that this Heron's formula will be in PT2. Aapko bhej deti hu main syllabus. Anju beta, Divyanshi. मैम फिर इस टर्म में हमें सिर्फ MCQs ही आएंगे?
क्यों? क्योंकि उसमें लिखा है कि एमसीक्यूज आएंगे, एक सब्जेक्टिव आएगा पेपर। किसमें लिखा है? वो पीडीएफ में। आपके साथ किसने शेयर किया पीडीएफ? मैम मैं ट्यूशन टीचर हूँ। ऐसा कुछ नहीं है बेटे, ठीक है? एमसीक्यू आएंगे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? सिलेबस में चेंजेस हैं, दैट वी विल लेट यू नो, फाइन? सिलेबस में थोड़ी सी डिलीशन है बेटे, बाकी एमसीक्यू आएंगे ऐसा कुछ कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है? वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में लिखा होगा, मे बी, आई डोंट नो। जो भी होगा आपको सब पता चल जाएगा प्रायर, डोंट वरी। एंड बट एमसीक्यू नहीं होंगे, ठीक है? सब्जेक्टिव पेपर ही होगा। सो चैप्टर नंबर 12, इट इज हीरोज फॉर्मूला, नॉट हीरोज फॉर्मूला, वन थिंग, ठीक है? इट इज हीरोज फॉर्मूला, हीरो हीरो नहीं बोलना इसको। सो व्हाट इट इज, व्हाट दिस फॉर्मूला इज अबाउट, व्हाट दिस चैप्टर इज अबाउट। सो बेटा earlier in your previous classes whenever you have a triangle, so now if you have to find the area of this triangle, what is the method to find the area of triangle? What we have learned till now, area of triangle is half into base into height, right? We know the base, we know the height, and then we can find the area. One this method we know, right? Now, if we have a triangle and there are three sides given and it is written find the area, no perpendicular is given. Can you find the perpendicular yourself? No. ठीक है, नहीं find कर सकते। या कई बार क्या होता है, हमारे पास ऐसे right angle triangle होता है ना, तो ये 7 है, ये 4 है। एग्जाम्पल मैं आपको लेके बता रही हूं, अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल हो, ये 7 है, ये 4 है, एंड नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। फिर हम क्या करते हैं, यू ऑल नो पाइथागोरस थ्योरम, है ना? अभी तक हमने ये पढ़ा हुआ है दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस हमें पता है 4, लेकिन हाइट मीन्स परपेंडिकुलर हमें नहीं पता, तो हम क्या करते थे, पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये वाली साइड निकालते थे। फिर रिमेंबर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, इफ टू साइड्स आर गिवन देन वी कैन फाइंड द थर्ड साइड, यस? तो इसको निकालते थे, मान लो ये आ गई, जितना भी आ गई, सपोज आ गई 9, तो हम उसको हाइट की जगह पे लिखकर एरिया निकालते थे, ठीक है? नाउ द क्वेश्चन इज, what if we are not given the perpendicular and what if the triangle is not the right angle triangle, simple triangle hai, scalene triangle, to iska area kaise nikalna hai? So Heron's formula is all about finding the area of the triangle when the sides of the triangle is given. Dekho idhar, hamesha jab bhi Heron's formula lagana na bete, तो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना है दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल। कई बार बच्चे क्या करते हैं, सीधा राइट हैंड साइड लिखते हैं और लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते ही नहीं। लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना तो पड़ेगा ना, चाहे अकेला एरिया लिख दो। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज, लुक हियर, डोंट राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल पे अटेंशन, स्क्वेयर रूट ऑफ एस ब्रैकेट एस माइनस ए ब्रैकेट एस माइनस बी ब्रैकेट एस माइनस, वेयर A, B, C are sides of triangle and what is S? S is semi-perimeter. Matlab, semi means half, perimeter means sum of all sides. A plus B plus C. And semi-perimeter means over. So this is the Heron's formula. Square root of S bracket multiply by S minus A multiply S minus B multiply S minus C
वेयर ए बी सी आर द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल एंड कैलकुलेट करने के लिए हमें ए बी सी गिवन होगा और क्या चाहिए एस एस हम फाइंड करेंगे कैसे तीनों साइड्स को प्लस करके डिवाइडेड बाय टू फिर हमारे पास ए भी है बी भी है सी भी है एस हमने निकाल लिया वी विल पुट द वैल्यूज हियर एंड वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एरिया नोट डाउन बेटे सेकेंड पीरियड किसके आपकी क्लास में सेकेंड पीरियड टेल मी एनीवन सो नाउ लेट अस डू द क्वेश्चन Exercise 12.1, question number 1. A traffic signal board indicating school ahead is an equilateral triangle. Means what we have now? We have a traffic signal board hai, jo ki kis form mein hai? Equilateral triangle. Hanji Laksh? Ma'am, is worried on formula, na? Speak loudly. मैम इस बार रोन्स फॉर्मूला आना है हाँ जी बेटा आप क्लास में नहीं थे मैम मैंने आपको नो मैम मैम सिलेबस हैज बीन चेंज्ड आई विल सेंड इन द ग्रुप टुडे ओनली सो करिकुलम के अकॉर्डिंग बेटा सिलेबस चेंज हो गया है तो रोन्स फॉर्मूला पहले है PT2 में है बता देंगे आपको ठीक है कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे वी विल लेट यू नो बता दूंगी आज ही सो अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड ए इसमें साइड क्या है ए फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला अब इसमें क्या है यहां पर ना फिर आगे कहते हैं इफ द पेरीमीटर इज 180 व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड अब इसमें पेरीमीटर क्या है पेरीमीटर मतलब ए प्लस बी प्लस सी कितना है 180 इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये भी ए 3a 180 ए कितना आ गया 60 अब ए बी सी को 60 और एस को एस बाय जो सेमी पेरीमीटर है वो कितना होगा 90 वो लेकर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो बट उस क्वेश्चन में आपको हाफ मार्क्स मिलेंगे मतलब 3 मार्क्स का तो 1.5 वाई पहले उन्होंने क्या बोला है फाइंड द सी द सेकंड लाइन फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फार्मूला फुल स्टॉप अगर आपके पास एक ट्राइंगल है जिसमें साइड ए है तो आपने इक्वल आपने हीरोन्स फार्मूला लगाकर एरिया निकालना है फिर उसके बाद है पेरीमीटर गिवन है जो भी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट साइड ऑफ एन Equilateral triangle is A. ठीक है This implies A भी A, B भी A और C भी A. What is S? A plus B plus C by 2. This implies S is what? A plus A plus A by 2. 3a by 2 ये ऐसे ही करना है सम ठीक है क्योंकि इन्होंने पहले बोला कि a को साइड को a लेके एरिया निकालो इतना नोट करो फिर मैं ये रख करूंगी टाइम इज ओवर बेटे नोट डाउन दिस मच
वी विल कंटिन्यू विद दिस सम टुमारो ठीक है एज आई एम हैविंग माय सेकंड पीरियड आल्सो एंड यू पीपल आर आल्सो हैविंग फाइन तो कंप्लीट नहीं होगा इट विल टेक 5 मिनट्स सो यू कैन ट्राई योर सेल्फ करवाऊंगी मैं कल भी अब इसमें ना एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी जो अभी फॉर्मूला लगाया है वो अप्लाई करना एस की जगह पे क्या लेना 3a/2 ए की जगह पे ए बी की जगह पे बी सी की जगह पे सी आप देखोगे आपके पास ये आएगा √3/4 a² वी ऑल नो एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज √3/4 साइड स्क्वायर ट्राई करना कल करवाऊंगी ठीक है बेटा सो टाइम इज ओवर बच्चे सी यू टुमारो टेक केयर